आज हम बनाने वाले हैं गेहूं का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, या दोपहर में कुछ आपका हल्का फुल्का या चटपटा खाने का मन हो तो स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मिक्सिंग बोल, जिसमें हम डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, आधा चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच हम डालेंगे तेल। तेल यहाँ पर हम मोयन के लिए डाल रहे हैं, ताकि हम जो नाश्ता बनाने वाले हैं बाहर से भी बहुत खुशक रहे और टेस्टी लगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ही हम तेल डाल रहे हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, इकट्ठा ना डालें, जिससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो इसका हम डो जो है सॉफ्ट तैयार करेंगे, आपको ज़्यादा सख्त नहीं गूंथना है, सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। तो इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसका डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 उबले आलू, जिनको हमने छील लिया है। अब इन आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मैश करना है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते। कुल मिलाकर के आलू के बड़े बड़े पीस नहीं रहने चाहिए, आलू एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने आलू को मैश कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिए है हरी धनिया और 4 हमने हरी मिर्च ली है। इन दोनों को आपको पीस लेना है, लेकिन बात एक बात याद रखनी है कि आप चाहे मिक्सी में पीसें या सिलवट्टे में, आपको पानी नहीं डालना है, यानी कि इसको बिल्कुल ड्राई पीसना है। तो चलिए हम इसको सिलवट्टे में पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी धनिया और मिर्च को पीस लिया है, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, एकदम ड्राई है। अब हम इस पेस्ट को आलू में मिला देंगे और ऊपर से हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक। अगर आप चटनी पीसते समय नमक डालते हैं तो यहाँ पर ना डालें। तो मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चाट मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चाट मसाला से। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सभी मसालों को और हरी चटनी को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा आलू का मिश्रण हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है आलूओं में, हरी धनिया मिर्च मिलाने से। तो ये देखिए, मिश्रण हमारा बिल्कुल भी गीला नहीं है आलू का, इसलिए हमने इसको ड्राई पीसा था धनिया मिर्च को। तो चलिए हम अपनी अगली तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आटा सेट होने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से सेट हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है रखे रखे। अब हम इसकी काटेंगे लोइयाँ। तो आप जितना भी नाश्ता बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोइयाँ काट लें। नॉर्मल लोई काटनी है, जैसे हम रोटी के लिए काटते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। तो अब हम इसको अच्छे से गोल करते हुए इसका पेड़ जैसे लोई बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम लगाएंगे परथन और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इसको आपको थोड़ा पतला बेलना है। तो ये बहुत ही आसानी से, देखिए सॉफ्ट आटा होने की वजह से कितनी आसानी से हमारी रोटी बेलती चली जाती है। तो इस तरह से हम इसको बड़े साइज में बेल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बड़ी साइज की रोटी बेल करके तैयार कर ली है। इसको आपको काफी पतला बेलना है। तो हमारी रोटी बेल चुकी है। अब हमने जो आलू का मिश्रण बना करके रखा था, उस मिश्रण को हम पतला पतला रोटी के ऊपर फैलाएंगे। आपको बहुत मोटा नहीं फैलाना है, पतला पतला ही फैलाना है इस तरह से। तो ये देखिए, आप किनारे पर भी सभी जगह अच्छे से इसको लगा दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी जगह आलू के मिश्रण को फैला लिया है। अब हम इसका किनारी भाग उठाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे। और अब हम इसको राउंड राउंड करते हुए इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसका रोल तैयार हो जाता है। रोल तैयार करने के बाद इसको हम 1-2 बार इस तरह से घुमा देंगे, ताकि इसकी जो किनारी है वो अच्छे से चिपक जाए और निकलने का डर ना रहे। इस तरह से हम इसको अच्छे से रोल कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा रोल बनकर के तैयार हो गया है। चाकू से हम किनारे के दोनों हिस्से काट करके अलग कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा आलू का मिश्रण नहीं है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लेंगे। इस तरह से हम जितने भी एक रोल के पीस बन जाते हैं, उस हिसाब से हम इसके काट लेंगे पीस और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब हमने जितने भी ये पीस कट करके रखे हैं इनको आपको हाथों में लेना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए पेड़े का शेप दे देना है, हल्का सा दबा देना है तो इसका पेड़े जैसा शेप आ जाएगा। तो आप चाहे तो पहले इसको गोल शेप भी दे सकते हैं फिर जा करके प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके देखिए हल्का सा मैंने गोल शेप दिया और इसको हल्का सा प्रेस कर दिया तो ये देखिए हमारे पेड़े जैसे बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी तैयार कर लिए हैं। अब हम इसी तरह से दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं और जो हमारे किनारे के भाग बचे थे उसको भी हम इसी लोई में मिला लेंगे और इसकी भी हम एक बड़ी रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने फिर से रोटी बेल ली है और आलू के मिश्रण को अच्छे से फैला लिया है। फिर वही प्रोसीजर हम दोहराएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसको आपको दबाते हुए रोल बनाना है और फिर इसको आपको राउंड कर देना है दबाते हुए ताकि मिश्रण अच्छे से जो आटा है ना किनारे पर चिपक जाए। और अब हम इसकी फिर से किनारे पर किनारी काट लेंगे और इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए इनको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम गोल शेप देते हुए इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये जो गेहूं का आटे का नाश्ता बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और ये नुकसान भी नहीं करता है। आप चाहे तो इसको मैदा से भी बना सकते हैं लेकिन गेहूं का आटा जो है नुकसान नहीं करता है। तो ये देखिए हमने सारे नाश्ता के पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने रखा है एक पैन, पैन में हम डालेंगे 2-3 चम्मच करीब तेल। तो आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हो वो ऑयल डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच करीब तेल डाल लिया है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो हम सारे नाश्ते जितने हमने बना करके रखे हैं पेड़े जैसे इनको हम किनारे किनारे पर रख देंगे क्योंकि किनारे पर जो तेल है ज़्यादा मात्रा में है। तो हम सारे रख देंगे एक बार में, जितने आपके बन जाते हैं उतने आप रख दीजिए। और अब हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और इनको हम नीचे की तरफ अच्छे से सिकने देंगे। तो करीब 2 मिनट लगेंगे नीचे की तरफ ये सिकना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट करीब हो चुके हैं। तो अब हम एक कांटा या चम्मच ले लेंगे तो उसकी मदद से हम इनको पलट लेते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ कितने अच्छे से हमारे सिक करके तैयार हुए हैं। तो हम इन सभी को पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम इनको अच्छे से सिकने देते हैं। तो ये देखिए हमने सभी पेड़ों को अच्छे से पलट लिया है और हम नीचे की तरफ इनको अच्छे से सिकने देते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ भी हमारे नाश्ता जो है अच्छे से सिक चुका है और आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो हम इसको पलट लेते हैं लेकिन अभी हम इसको और सेकेंगे। जब तक दोनों तरफ अच्छे से ना सिक जाए तो आपको उलटते पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ सेक लेना है। तो आप इनको बार बार पलटते हुए इस तरह से सेक लीजिए। तो अब फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो नाश्ता है बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम नए तरह का नाश्ता है। आप जिसको भी सर्व करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको आप हरी चटनी के साथ खाइएगा बहुत अच्छे लगते हैं, या चाय के साथ भी खा सकते हैं या टोमेटो केचप के साथ, लेकिन हरी चटनी के साथ खाने में इसका मज़ा कई गुना बढ़ जाता है।